दोस्तों वर्ल्ड कप जो है आने वाला है और ऐसे में जो है सभी बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर खिलाड़ी अपनी अपनी राय जो है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड पे देने वाले हैं। तो ऐसे में जो है एक और दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर ने जो है अपना राय दिया है कि टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो है एक प्रॉपर तेज गेंदबाज की कमी होने वाली है। तो क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में सारी बातचीत करेंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है हमेशा की तरह एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्रिकेट के अच्छे वाले फैन होना तो सब्सक्राइब तो याद से करके जाना। दोस्तों टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो है कुल टोटल 3 प्रॉपर तेज गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों ऐसे में जो है गौतम गंभीर ने कहा है कि टीम इंडिया को जो है इंग्लैंड में एक प्रॉपर तेज गेंदबाज की कमी होने वाली है। हालांकि गंभीर ने यह भी कहा कि टीम इंडिया के पास जो है हार्दिक पांड्या और विजय शंकर है जो कि तेज गेंदबाजी कर सकती है, लेकिन गंभीर ने यह भी कहा कि एक प्रॉपर तेज गेंदबाज का इम्पैक्ट जो है वो कुछ अलग ही होता है और टीम इंडिया जो है एक प्रॉपर तेज गेंदबाज को मिस करने वाली है इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में। दोस्तों हार्दिक पांड्या जो है हमेशा से एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये भी पता है कि हार्दिक पांड्या जो है थोड़े खासे रन्स भी लुटा के आते हैं। वहीं बात करते हैं प्रॉपर तेज गेंदबाज की, तो मोहम्मद शामी, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जो है ये गेंदबाज ऐसे गेंदबाज है जो जब चाहे तब तो विकेट लेते हैं और रन्स पे जो है आके अंकुश भी लगाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो है गंभीर का मानना यही है कि इंग्लैंड जैसी पिच के ऊपर जो है मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर कोई प्रॉपर तेज गेंदबाज दुर्भाग्यवश चोटिल हो जाता है तब जो है बीसीसीआई ने उस तेज गेंदबाज का बैकअप भी लेके नहीं रखा है। तो दोस्तों ऐसे में जो है फिर टीम इंडिया को 3 प्रॉपर तेज गेंदबाजों के साथ ही उतरना पड़ेगा और ये 3 तेज गेंदबाज के ऊपर जो है टीम इंडिया को पूरा वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा और उनसे यही उम्मीद है कि इनको अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है हार्दिक पांड्या और विजय शंकर अच्छी खासी गेंदबाजी करा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी क्या सोचते हो कि गंभीर की ये जो राय है कि टीम इंडिया एक प्रॉपर तेज गेंदबाज की कमी होने वाली है वर्ल्ड कप में, अपने सभी विचार बताओ नीचे कमेंट करके। दोस्तों जो अपनी बीसीसीआई है उन्होंने पूरे 15 मेंबर के स्क्वाड में बल्लेबाजों को अनाउंस किया, ऑलराउंडर्स को अनाउंस किया, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 3 ही तेज गेंदबाज के साथ में उतरने वाली है, जिसके अंदर चहल और कुलदीप यादव 2 रहेंगे भारतीय टीम के स्पिनर। लेकिन जब दोस्तों प्रॉपर तेज गेंदबाज की बात आती है तो वहाँ पे जो है टीम इंडिया 1 गेंदबाज शॉर्ट है एज पर गौतम गंभीर। दोस्तों अगर आप सभी बाकी टीम्स के वर्ल्ड कप स्क्वाड में देखोगे तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे तेज गेंदबाज मौजूद है। हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो है ऐसे अच्छे खासे ऑलराउंडर्स है जो कि गेंदबाजी करा सकते हैं और 2 ऐसे गेंदबाज है स्पिनर्स जो कि कभी भी गेम को पलट सकते हैं। दोस्तों देखते हैं अभी क्या होता है वर्ल्ड कप में, लेकिन बुमराह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार के ऊपर जो है पूरे देश की उम्मीदें टिके हैं। आशा करते हैं कि ये 3 खिलाड़ी अच्छा करेंगे और टीम इंडिया को जो है वर्ल्ड कप में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो है वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।